Hello everyone, welcome back to the fourth video of Bhav Sarej. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं what is auxiliary भाव, what are the kinds of it and what are the difference between auxiliary भाव and helping भाव and इसके uses को भी हम सीखने वाले हैं. auxiliary भाव के uses को सीखने वाले हैं, कैसे sentence में काम करते हैं, कैसे work करते हैं sentences में. सो बिना डिले किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आपने भाव चैप्टर के 3 वीडियो को नहीं देखा है, सीरीज को मिस कर दिया है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को डाल दूंगी, आप जरूर जाकर के उसे देखें. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. भाव हैज टू काइंड्स, नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब. नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, राइट. सो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले, ए यू एक्स आई L I A R Y, auxiliary verb. What is that? Auxiliary verb. Auxiliary spelling below. A U X I L I A R Y. A U X I L I A R Y. Auxiliary. Auxiliary. क्या है ये? Auxiliary verb. Right? तो what is auxiliary verb? Auxiliary verb होता क्या है? ध्यान देना. Ram eats a mango. डेली राम रोज एक आम खाता है, राइट. राम ईट्स अ मैंगो डेली. राम रोज एक आम खाता है, ओके. आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. मैं कल स्कूल गया. ये क्या हो गया? एक सेंटेंस है. ये दोनों सेंटेंसेस कैसे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, राइट. राम ईट्स अ मैंगो डेली, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, राइट. अब मैं आपको बोलूं कि राम ईट्स अ मैंगो डेली, इसका नेगेटिव चेंज कर दो. क्या करो? नेगेटिव में चेंज करो तो क्या बनाओगे आप? राम नॉट ईट्स मैंगो डेली. यही ना बनाओगे? राम नॉट ईट्स अ मैंगो डेली, यही ना पढ़ाएंगे? नहीं, नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो गया. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली नॉट लगा रहे हैं और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली नॉट नहीं लगता है. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली नॉट नहीं लगता है तो क्या करना पड़ेगा? इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा. कहां पे लगाना पड़ेगा? ठीक नॉट के पहले. तो जो कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसका थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डज होता है. क्या होता है? डज. तो राम डज नॉट ईट. राम के साथ में नॉट नहीं लगाकर डज नॉट लगाओगे. डज नॉट, अब यहां पे ईट्स हटा करके ईट कर दोगे. राम डज नॉट ईट अ मैंगो डेली. ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस, राइट. अब इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डज राम ईट अ मैंगो डेली. क्या राम एक आम रोज खाता है? है ना. अब आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? तो बनाओगे ऐसे, आई नॉट वेंट टू स्कूल. आई नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे. क्या बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, राइट. तो उसको सही कैसे करोगे? इसको सही करने के लिए आपको यहां पे डिड का प्रयोग लगा करना पड़ेगा. आई डिड नॉट और वेंट हटा करके गो लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? गो. आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, राइट. और इंट्रोगेटिव क्या बनाओगे? डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे. डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क. तो ध्यान दो आप लोग, राम ईट्स अ मैंगो, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस था. ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव.
ओके ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस, हम में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं इसको, इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना क्या चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये भी क्या हो गया, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस, राइट। और डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, ये कैसा हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग जरा याद कर लेंगे बच्चों, आई एन टी ई आर आर ओ जी ए टी आई वी ई, राइट, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक और आपको पता ही है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनता है, राइट। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। वेल, तो राम इट्स अ मैंगो डेली, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और इसका नेगेटिव क्या हो गया, राम डज नॉट ईट अ मैंगो डेली, है ना, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या हो गया, डज राम ईट अ मैंगो डेली। तो यहां पे डज क्या है, वेल यहां पे ये डज, मैं यहां पे ईट लिखा, एट मिटा दिया, है ना, यहां पे वेंट मिटा दिया, गो लिखा, क्यों कर रहा हूं ऐसा, यहां पे ईट मिटा दिया, ईट लिखा, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान देना, डू डज डिड, डू डज डिड, इसके साथ और भी कुछ है, वो हमेशा अपने बाद भी वन लेते हैं। क्या लेते हैं? भी वन। ये एक रूल है, मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये क्या है, डिड क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, डिड क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, डज क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, डज क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये डज डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो होते क्या है, क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान देना स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर इट, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स, रिपीट करो मेरे साथ में, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड इन चेंजिंग वन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब का बस इतना ही यूज है। क्या यूज है? किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें किन वर्ब की आवश्यकता होती है? ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सिलरी वर्ब की, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड इन चेंजिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वैसे वर्ब्स जिसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए करें उसे क्या बोलोगे आप? ऑक्सिलरी वर्ब बोलोगे, राइट। इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं ये समझ लो आप, जस्ट लर्न दिस वन, हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बिकम अ डॉक्टर, राइट। तो यहां पे एम का काम क्या है, शल का काम क्या है? कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। यहां पे वॉज का काम क्या है? तो वॉज, एम, शल, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज नहीं कर रहे हैं, या इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसका यूज किया जा रहा है मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, ताकि ये सेंटेंस पूरा बन सके। बिना एम लगाए ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता, बिना शल लगाए ये सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता, बिना वाज लगाए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहां पे, इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से ही लगाया जा रहा है मेन वर्ब के पहले एम, मेन वर्ब के पहले शैल, मेन वर्ब टीचिंग के पहले वाज। तो ये तीनों काम क्या कर रहे हैं, ये तीनों मेन वर्ब प्लेइंग, बिकम और टीचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्या करने में, सेंटेंस को पूरा करने में, राइट। इसीलिए इन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं या सपोर्टिंग वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स या सपोर्टिंग वर्ब्स। अब समझ में आया, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं मालूम चल गया आपको, जिसका यूज हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए करते हैं। और हेल्प, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे वर्ब्स का यूज मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। समझ में आ गया? सो ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स
कितने होते हैं, हाउ मेनी आर देयर इन टोटल, ये टोटल के टोटल होते हैं 24, हाउ मेनी 24 इन नंबर, राइट। और इसको दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में, दो भागों में। इसको इट दिस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, राइट। हाउ मेनी कैटेगरी, टू कैटेगरी। नंबर वन इज देयर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। और दूसरा क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नंबर टू क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इसे मॉडल्स भी बोलते हैं, राइट। सही है, नहीं गलत है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, पी आर आई एम ई आर वाई, ये गलत है। पी आर आई एम ई आर वाई कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, होना क्या चाहिए, पी आर आई एम ए आर वाई, और ये प्राइमरी है, राइट। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया, कितने भागों में, तीन भागों में। पहला वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब टू हैव, तीसरा वर्ब टू डू। ओके, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, ये तीन ही है यहां पे। ये तीन ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिसके फॉर्म्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स माना गया, जिसके फॉर्म्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स माना गया, राइट। कौन को, सारे फॉर्म्स को नहीं, कुछ कुछ फॉर्म्स को, सारे फॉर्म्स को नहीं, कुछ कुछ फॉर्म्स को। लाइक वर्ब टू डू के किन फॉर्म्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स माना गया, डू को माना गया, डज को माना गया, और डिड को माना गया, राइट। डू, डज और डिड, हैव को माना गया, हैज को माना गया है ना, और हैड को माना गया, राइट। उसी तरह से वर्ब टू बी के कौन कौन से फॉर्म्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स माना गया, इज, एम, आर, वाज और वर, राइट। टोटल कितने हो गए, 3 to 5 एंड 3 8 एंड 3 11, इतनी है ना, राइट। वर्ब टू बी कितने हो गए, वर्ब टू बी में 5 हो गए, राइट। वर्ब टू बी में 5 है, वर्ब टू हैव में 3 है, और वर्ब टू डू में 3 है। ये तीन ही फॉर्म्स, बाकी जो डूइंग, डूइंग है ना, डूइंग, डूइंग को नहीं लिया गया, डन को नहीं लिया गया, इसमें भी हैविंग है या एक और हैड है उसको नहीं लिया गया, इसमें भी बी है, बीइंग है, बिन है, उसको भी नहीं लिया गया, ध्यान रखना, राइट। तो वर्ब टू बी से ये 5 फॉर्म से लिए गए, वर्ब टू हैव से ये केवल 3 फॉर्म से लिए गए, वर्ब टू डू से केवल 3 फॉर्म से लिए गए, राइट। क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म, राइट। ये पास्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट फॉर्म है, किसका, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का, राइट। हालांकि कुछ कुछ ग्रामर बुक्स ऐसे भी हैं जो फ्यूचर का फॉर्म भी लिखते हैं इसमें, है ना, क्या करते हैं, फ्यूचर का फॉर्म भी लिखते हैं, कौन कौन सा, वो एक शल है और दूसरा विल है, ये क्या हो गए, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में अब रखा जाने लगा है, राइट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो एक्शंस के मोड को, मोड मतलब मूड, बोलता ना मेरा मूड खराब है यार आज, तो वो मूड है ना, मूड, एम डब्ल्यू डी, मूड, उसके एक्शंस के मूड को दर्शाता है, एक्शंस के मूड को दर्शाता है। ये जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार समझाऊंगा मॉडल्स किसे कहते हैं, राइट। अभी आप डेफिनेशन ये जान लो कि मॉडल्स आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स विच शो द डिफरेंट मूड ऑफ एक्शंस, डिफरेंट मूड ऑफ एक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं लाइक शल, शल एक मॉडल है और इसका पास्ट फॉर्म होता है शुड, ठीक वैसे ही विल, विल एक मॉडल है जिसका पास्ट फॉर्म वुड होता है, राइट। विल पास्ट फॉर्म वुड। इन द सेम मैनर कन, कन, सी ए एन, कन, इसे हम कैन भी पढ़ते हैं और इसे हम कन भी पढ़ते हैं, कन, कन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, व्हाट इज दैट का पास्ट फॉर्म, कन, कुड, कन, कुड। मे, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, राइट, मे, माइट। जब भी कॉमनली आप इसे प्रोनाउंस करोगे शल को, कन को, तो उसको शल और कन पढ़ते हैं कॉमनली, लेकिन जब जोर डालकर पढ़ते हैं ना, जिस पर स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो वो शैल हो जाता है और ये कैन हो जाता है, राइट। तो शल, शुड, विल, वुड, कैन और कन, कुड, मे, माइट। अब इसके यूजेस क्या क्या है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना देख लो, एंड देन आफ्टर सम मोर मॉडल्स आर देयर, कुछ और मॉडल्स भी होते हैं लाइक नीड, डेयर, यूज्ड, यूज्ड,
ऑट, ये आउट नहीं है, ये ऑट है, ऑट ऑट ऑट, यूज्ड यूज्ड ऑट राइट एंड मस्ट, ये कितने हो गए पांच, तो एट और फाइव कितने हो गए टोटल ऑल टुगेदर 13 मॉडल्स, हाउ मेनी 13 मॉडल्स आर देयर राइट, ये सारे के सारे हो गए 13 मॉडल्स ओके। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं प्रेजेंट में, कितने हो गए 3, 2, 5 एंड 2, 7, 7 हो गया प्रेजेंट में, पास्ट में कितने हो गए 2 एंड 1, 3 एंड 1, 4, ये हो गए 4, तो 7 एंड 4 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए राइट। लेकिन अब आजकल मैंने क्या बताया कि आजकल क्या हो रहा है शेल और विल को भी साथ में लिखा जा रहा है राइट, तो शेल विल भी यहां हो गया, तो 11 प्लस 2 कितने हो गए 13, तो टोटल कितने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, टोटल 13 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। लेकिन अगर कोई कहता है 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स तो गलत नहीं कहता है राइट, तो वो भी सही है 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देन 13 मॉडल्स ऑल टुगेदर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं राइट right? कितने होते हैं 24 होते हैं, या फिर यहां पे आप दोनों जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा, 13 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और 13 मॉडल्स दोनों मिला कितने होंगे 24 ही होंगे, 13 13 26 नहीं बन जाएगा। क्यों नहीं बन जाएगा, बिकॉज जब अलग अलग लिख रहे हो तो सेल विल लिख रहे हो, सेल विल यहां भी सेल विल यहां भी, लेकिन जब एक साथ लिखोगे तो सेल विल को दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना, एक ही बार लिखेंगे, इसीलिए वो 24 ही हुआ राइट। दैट्स ऑल अबाउट योर वर्ब चैप्टर, ये आपका वर्ब चैप्टर कंप्लीट हो गया ओके। इसी तरह के और वीडियोस आप तक समय तक पहुंचते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।